में अब हम पढ़ेंगे लेबर। हमें पता है कि लेबर जो है हमारी कंट्री में बहुत अबंडेंट है और बहुत स्कैटर्ड है, और बहुत ज़्यादा लेबर होने के कारण भी लैंडलेस लेबरर्स उसका वो है, रिजल्ट है, क्योंकि लोगों के पास ज़मीन नहीं जितना लेबर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि लेबर फार्मिंग में, हम स्पेसिफिकली फार्मिंग की अगर बात कर रहे हैं, तो फार्मिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लेबर की, फ्रॉम प्लाउइंग टू सीइंग द सोड्स टू टेंडिंग टू द क्रॉप्स एंड देन उनकी हार्वेस्टिंग, एंड उनकी हार्वेस्टिंग, फिर उसके बाद उनको पैक करके मार्केट्स में ले जाना और उसके बाद उनको सेल करना। तो फार्मिंग नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ लेबर। सेकेंडली, पालमपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्मॉल स्केल फार्मिंग फैमिलीज जो हैं, जिनके पास या तो प्लॉट्स नहीं है या फिर प्लॉट हैं तो वो बहुत छोटे प्लॉट्स हैं, तो वो सारी की सारी फैमिली मिलकर काम करती है एक उसके ऊपर, एक उनके प्लॉट के ऊपर। ऑन दी अदर हैंड, जो मीडियम एंड लार्ज फैमिलीज़ है वो लेबरर्स को हायर करते हैं, जो कि उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, और वो उनको क्या पे करते हैं अभी हम देखेंगे। जो फार्म लेबरर्स हैं, मेनली जो फार्म लेबरर्स होते हैं वो या तो लैंडलेस होते हैं या फिर उनके पास खुद खुद के बहुत छोटे प्लॉट्स होते हैं। जैसे कि एक इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल दे रखा है दाला का, जो कि एक स्मॉल स्केल फार्मर है और उसके पास प्लॉट नहीं है फार्मिंग के लिए, तो वो एक रिच लैंड ओनर के पास जाता है और उसके बाद वो उनसे काम मांगता है, वो उनको उसको हायर करते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक डेली वेज सेट कर रखी है कि एक फार्मर को ₹60 पर डे के हिसाब से सैलरी मिलेगी, लेकिन लेबर इतना ज़्यादा है पालमपुर में कि जो ओनर्स, लैंड ओनर्स हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और उसके बाद उनको कम पैसे देते हैं, अराउंड 35 to 40 पर डे, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट इनफ। ठीक है, तो जो लैंड ओनर्स हैं, जो बिग लैंड, रिच लैंड ओनर्स हैं, वो लैंडलेस फार्मर्स को या लेबरर्स को हायर करते हैं उनके छोटे छोटे, उनके अपने प्लॉट्स पे काम करने के लिए, उनको छोटे छोटे प्लॉट्स असाइन कर दिए जाते हैं। इन टर्म्स ऑफ सैलरी, उनको जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं, जो ग्रोन क्रॉप्स होती हैं, उसके ऊपर उनको कोई राइट नहीं होता है, वो उसमें से कुछ भी हिस्सा नहीं मांग सकते। सैलरी के तौर पर उनको या तो काइंड में, जैसे कि थोड़ा सा अनाज कैश में, यानी पैसे जो कि बहुत मीगर होते हैं, या फिर मील जो कि एक दिन का खाना दिया जाता है, जो रीजन टू रीजन और स्टेट टू स्टेट बहुत वेरी करता है। ठीक है, ऑल्सो वेरिएशन सिर्फ सैलरीज में नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में भी है। जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उन्हें क्रॉपिंग सीजन के ड्यूरेशन में ही हायर करते हैं रिच लैंड ओनर्स, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें साल भर की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें जिस सीज़न में ज़रूरत है, जो कि क्रॉपिंग सीज़न है, वो उसके अंदर उनको हायर करते हैं, और उसके बाद उनको जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो उनको नौकरी से निकाल देते हैं। तो ये जो या तो डेली होती है या ईयरली होती है, फार्मिंग के केस में डेली होने के ज़्यादा केसेस है, ईयरली के ज़्यादा केसेस नहीं है, क्योंकि साल भर फार्मिंग नहीं होती है, जो क्रॉपिंग सीजन होता है वो उसी में उनको हायर करते हैं। अगर हम वेजेस पे आए तो वेजेस में है कि गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली इंटरवीन करके एक सेट वो कर रखी है, फ्लोरिंग कर रखी है प्राइस की। फ्लोरिंग मतलब एक लिमिटेड भी नहीं, एक मिनिमम अमाउंट सेट किया हुआ है उन्होंने कि इतना तो देना ही देना है, इसके ऊपर नेगोशिएशन हो सकता है। वो जो है वो प्राइस गवर्नमेंट ने ₹60 पर डे के हिसाब से सेट किया है, जो कि एक्चुअल में या रियलिटी में उन लेबरर्स को नहीं मिलता है, क्योंकि अब, और इसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा लेबर है हमारी कंट्री में, अनस्किल्ड लेबर और मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण कंपटीशन होता है, और कंपटीशन का रिजल्ट ये होता है कि प्राइस कम हो जाती है, तो उनकी सैलरीज कम हो जाती है। अगर एक एग्जाम्पल से समझाया जाए कॉम्पिटिशन, तो अगर एक लैंड ओनर के पास दो लैंडलेस लेबरर्स आए हैं, अगर एक ₹60 मांगता है और एक ₹40 पे भी सेटल होने को रेडी है, तो जो जो वो एम्प्लॉयर है या जो रिच लैंड ओनर है वो ₹40 वाले को ही हायर करेगा, क्योंकि वो उधर अपने ₹20 बचा सकता है, तो वो फालतू में क्यों दे। तो इस कॉम्पिटिशन के कारण लोअर वेजेस हो जाते हैं, जो कि लैंडलेस लेबरर्स के लिए और भी ज़्यादा सिचुएशन वर्स करते हैं।
अब फार्मिंग में हमने लेबर की बात कर ली है, तो अब कैपिटल की बात है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब ये होता है एक इन्वेस्टमेंट या कुछ मनी या कुछ ऐसी चीज़ जिसे हम एक प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल सकते हैं और उसके बाद उसको हम यूज़ करके हम यील्ड निकाल सकते हैं। तो कैपिटल रिक्वायर्ड अब फार्मर्स के लिए, उनको अगर अच्छी क्रॉप चाहिए तो उन्हें अच्छे सीड्स चाहिए होंगे, अच्छे फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, ट्रैक्टर्स थ्रेशर्स की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छी वाटर सिस्टम, अच्छे केमिकल और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक पार्ट ऑफ कैपिटल ही होते हैं। अब स्मॉल फार्मर्स के क्या है, स्मॉल दो क्लासेस हैं पालमपुर में, स्मॉल फार्मर्स और लार्ज फार्मर्स। अगर स्मॉल फार्मर्स की बात करी जाए तो वो उनके प्लॉट्स ऑलरेडी बहुत कम होते हैं जिसके कारण उनकी यील्ड कम होती है, और यील्ड कम होने के कारण वो जो थोड़ा सा जो है अमाउंट, थोड़ा सा ज़्यादा ही अमाउंट, आधे से ज़्यादा अमाउंट वो अपने खुद के कंजम्पशन, अपनी फैमिली के सर्वाइवल या अपनी फैमिली के खाने के लिए रख देते हैं, और बाकी जो बचता है उसको वो जाके मार्केट में सेल करते हैं। जो बाकी जो उनकी यील्ड में बचता है वो इतना इनफ नहीं होता है कि वो उन थोड़े से पैसों में कैपिटल के लिए, अगले कैपिटल या फिर अगले क्रॉपिंग सीजन के लिए कुछ बचा के रखें जिसके कारण वो इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सकें या पेस्टिसाइड्स खरीद सकें। ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि वो जो अमाउंट वो जो अर्न करते हैं अपने क्रॉप सेल करने के बाद वो बहुत कम होते हैं। तो इन दैट केस स्मॉल जो फार्मर्स होते हैं वो मनी बोरो करते हैं मनी लेंडर्स या फिर रिच लैंड ओनर्स से। ये जो मनी लेंडिंग या जो मनी ये लोग बोरो करते हैं और जो लैंड ओनर्स या फिर मनी लेंडर्स उनको पैसे देते हैं, ये इसके अंदर बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है फार्मर्स का, क्योंकि लैंड ओनर्स और मनी लेंडर्स को पता है कि इनको पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो वो अपने हिसाब से अपने प्रॉफिट के लिए बहुत मैसिव इंटरेस्ट रेट्स लगा देते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए अब हमारी टेक्स्ट बुक में एक स्टोरी दे रखी है सविता की। एक सविता एक स्मॉल स्केल फार्मर है, उसके पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है। वो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड बहुत छोटा है और उसकी फैमिली से उसका फैमिली का गुजारा उसमें नहीं हो पाता है। तो वो एक 1 हेक्टेयर के लैंड में जितना भी वो बचा अपना कंसम्पशन हटा के जितना भी वो बेचती है, वो नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन में फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह खरीदने के लिए या सीड्स खरीदने के लिए इनफ नहीं होता है। तो अब इस उसे ये बात पता है कि अब जो फार्मिंग सीजन आने वाला है या क्रॉपिंग सीजन आने वाला है उसके अंदर उसको इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, उसको सीड्स पेस्टिसाइड्स इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत के लिए उसको पता है कि उसको 3,000 रुपयों की ज़रूरत है। 3,000 रुपयों की ज़रूरत के लिए वो एक रिच लैंड ओनर जो कि तेजपाल सिंह जिसका नाम दे रखा है वो उसके पास जाती है और उससे पैसे मांगती है। तेजपाल सिंह उसको पैसे देने को रेडी होता है एक उसको 24% इंटरेस्ट रेट एनुअली पे, जो कि बहुत बहुत बड़ा मैसिव इंटरेस्ट रेट है। 24% इंटरेस्ट रेट पे लिख अब और सविता को ये बात भी पता है कि अगर वो 3,000 रुपये लेती है 24% इंटरेस्ट रेट पे तो वो उनको लौटा तो पाएगी नहीं, जिसके लिए वो अपने लैंड पे भी काम करती है, फिर उसके बाद वो कुछ टाइम तेजपाल सिंह के लैंड के लिए भी काम करती है जिसमें उसको 35 रुपये डेली मिलते हैं जो कि एक सेट लिमिट से बहुत कम है, और उसके बाद उसके घर पे 3 छोटे बच्चे भी जिसको भी उसको उनको देखना है। तो देखा जाए तो एक लैंडलेस फार्मर या फिर एक स्मॉल प्लॉट ओनर जो स्मॉल स्केल फैमिलीज होती है उनके लिए जो सिचुएशन है वो हर क्रॉपिंग सीजन के साथ वर्स होती जाती है, क्योंकि उन पर कर्जा चढ़ता जाता है और जो कर्ज का जो लेनदार होता है वो अपने हिसाब से एक इंटरेस्ट रेट उनको चार्ज करता है जो कि उनके लिए लौटाना काफ़ी टफ होता है। बात करें अगर लार्ज फार्मर्स की, तो लार्ज फार्मर्स के साथ ये होता है कि उनके पास बहुत बड़े लैंड बहुत बड़े प्लॉट्स होते हैं, 10 हेक्टेयर से भी ऊपर के प्लॉट्स होते हैं, और पालमपुर में 60 ऐसे फैमिलीज़ हैं। तो वो क्या करते हैं, वो लोग जो उनकी वो होती है प्रोडक्शन होती है या जो यील्ड होती है उसका वो थोड़ा पार्ट रख के बहुत ज़्यादा का सारा पार्ट सरप्लस जिसे कहा जाता है उसे वो बेचते हैं मार्केट्स में। जो मार्केट्स में बेचने के बाद जो उनको पैसा मिलता है या जो प्रॉफिट्स है उनका वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उसमें से कुछ पार्ट हटा के नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन के लिए रख देते हैं जिसको वो यूज़ करते हैं मशीनरी खरीदने में, यील्ड खरीदने में, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स खरीदने में, कभी ट्रैक्टर खरीदने में, थ्रेशर खरीदने में, इन सारी चीज़ों में वो अपना इन्वेस्टमेंट डालते हैं।
और उसके बाद अपनी यील्ड बढ़ाते जाते हैं। तो अगर हम ये देखा जाए तो स्मॉल स्केल फार्मर्स जो है इसमें पुअरर और पुअरर ही होते जा रहे हैं, और रिच फार्मर्स जो है वो रिच और रिच ही होते जा रहे हैं। तो इनके बीच का गैप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और इन और स्मॉल स्केल फार्मर्स की सिचुएशन वर्स इसीलिए भी होती जा रही है क्योंकि उन पे कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और उनका जो कर्जे का जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना मैसिव है कि उनके लिए लौटा देना इस उस सीज़न में या फिर उस सीज़न की यील्ड से नामुमकिन होता है।